हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल, आपका स्वागत करता हूं हम सभी के अपने यूट्यूब चैनल अरहंत रियल एस्टेट में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं सेक्टर 24 में रेडी टू मूव बिल्डिंग है, 2 BHK फ्लैट। काफी बड़े बड़े बेडरूम्स और किचन यहां पे देखने के लिए मिलेगा। ये अपना बिल्डिंग का नीचे का पैसेज एरिया है, जहाँ पे हम अपनी कार पार्किंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कार पार्किंग भी आपको फ्लैट के साथ मिल जाएगी। यहाँ पे G+6 के बिल्डिंग में आपको मिलेगी लग्जरी लॉबी। ये हमारी बिल्डिंग की लग्जरी एंट्रेंस लॉबी है, काफ़ी अच्छी प्रीमियम लगती है, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी एलिवेटर्स मिलेगी। यहाँ पे जो लॉबी स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे गणपति बप्पा का मंदिर भी है, सोसाइटी वगैरह सब कुछ हो चुका है। रिसेल की प्रॉपर्टी है, 2 BHK फ्लैट है, सेकेंड फ्लोर पे फ्लैट है, और काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे जगह मिल जाती है। ऊपर जाके देखने वाले, एक फ्लोर पे आपको 4 फ्लैट मिलता है, और नीचे का और ऊपर का पैसेज एरिया भी सच में काफ़ी बड़ा है। तो चलिए फ्लैट देखने चलते हैं। अभी हम आए हैं बिल्डिंग के अंदर, और बिल्डिंग के अंदर आपको एक फ्लोर पे मिलेंगे 4 फ्लैट। काफ़ी बड़ा पैसेज एरिया बिल्डिंग के अंदर मिलता है। सामने 2 फ्लैट रहेंगे, पीछे साइड में 2 फ्लैट रहेंगे, और हमारा फ्लैट साइड फेसिंग है। कंप्लीट वास्तु का फ्लैट है, और काफ़ी अच्छी डायरेक्शन, मतलब उसको नॉर्थ की डायरेक्शन आ जाती है। और फ्लैट के साइड में भी काफ़ी अच्छा पैसेज एरिया मिलता है। इस साइड में हमारा स्टेयरकेस एरिया आ जाता है। यहाँ पे देखो, आप आपका शू रैक वगैरह भी बना सकते हो, काफ़ी बड़ा शू रैक बना सकते हो, और लॉबी एरिया काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे जैसे हम एंट्री करते हैं हमारे घर के अंदर, तो आपको दिखेगा काफ़ी बड़ा वाइट डोर, जिसका हाइट भी काफ़ी अच्छा है, डोर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और ये रहेगा हमारा 2 BHK का फ्लैट, और इसका हॉल। यहाँ पे आपको जो काम किया है, मतलब थोड़ा सा जो एक्सटेंशन का जो काम होने के बाद जो फ्लैट का जो साइज़ है वो वाकई में काफ़ी बड़ा हो चुका है। जैसे आप एंट्री करते हो घर के अंदर, तो आपको वाकई में ऐसा फील हो जाएगा कि कितना बड़ा हॉल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब काफ़ी अच्छा वाव वाली फीलिंग आपको यहाँ पे आएगी। अभी ये जो हॉल की जो लंबाई है वो बढ़ चुकी है। यहाँ पे कैसे है ना, ये जो टाइल्स है 2.5 फीट की टाइल्स यहाँ पे है सभी फ्लैट के अंदर, तो यहाँ पे हम ये 2 फीट की टाइल्स यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो ये देखो ये 5 फीट हो गया, 2 टाइल्स, ये 5, 10 फीट हो गया। और यहाँ पे भी आपको 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब अगर हम वो वाली टाइल्स कंसिडर करेंगे तो 10 फीट, और ये करीब करीब 16-17 करीब करीब आपको लंबा एरिया हो चुका है, और 9 फीट की चौड़ाई मिलती है। 16.5 फीट लंबा हॉल, 9 फीट चौड़ा हॉल, काफ़ी डिसेंट साइज आपको घर के अंदर मिल जाएगी। सीलिंग हाइट भी काफ़ी अच्छी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसका जो फिनिशिंग है सच में काफ़ी अच्छा है। नॉर्थ डायरेक्शन है, जैसे हम घर के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा हॉल दिख जाएगा, और आपके जो बेडरूम की साइज भी है वो बढ़ चुकी है। यहाँ पे देखो, डोर जो है वो अपना नॉर्थ डायरेक्शन में आता है, बाहर जाते टाइम नॉर्थ डायरेक्शन आ जाता है, तो ये वास्तु काफ़ी अच्छी है। डोर बंद करते हैं, इसका जो क्वालिटी है लॉक का क्वालिटी, ग्रिप्स का, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। अब ये फ्लैट की अगर डिज़ाइन की बात करेंगे, तो इस साइड में एक मास्टर बेडरूम है, और दूसरा भी मास्टर बेडरूम मिलने वाला है। मतलब आपको यहाँ पे 3 टॉयलेट बाथरूम मिलते हैं, दोनों बेडरूम के अंदर आपको अटैच बाथरूम यहाँ पे मिल जाने वाला है। सबसे बड़ी बात वही है, क्योंकि मास्टर बेडरूम, दोनों बेडरूम के अंदर आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। यहाँ पे देखो, आप आपका मंदिर वगैरह भी बना सकते हो, या टीवी के लिए भी बना सकते हो। जैसे आगे आ जाते हैं इस हॉल के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है टीवी के लिए, और सामने यहाँ पे आपका सोफ़ा एल शेप में बिठाना रहेगा, सोफ़ा भी लगा सकते हो। आपको फ्रेंच विंडो भी काफ़ी बड़ी दी है, और यहाँ से भी काफ़ी अच्छी हवा और वेंटिलेशन आपके घर के अंदर आ जाती है। और यहाँ पे देखो, काफ़ी अच्छी आपको बड़ी साइज़ में ग्रिल वगैरह लगा के रखी है, और इसका आप काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ग्रिल की जो साइज़ है, मतलब ये लगभग 1.5 फीट के करीब करीब आपको मिल जाती है। और यहाँ पे प्लाई वगैरह रख के इस ग्रिल के अंदर भी आप जा सकते हो, कुछ पॉट्स वगैरह रख सकते हो। अभी चलते किचन को समझ लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे कितना पैचेज एरिया बड़ा मिल जा रहा है घर के अंदर। अभी किचन का साइज जो है वो चेंज हो चुका है, पहले जो था छोटा था, अब किचन देखो कितना बड़ा हो चुका है। किचन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट एल शेप में किचन मिल जाता है। वेंटिलेशन विंडो भी लगाई है, गैस पाइपलाइन भी लगाया है, और वेंटिलेशन विंडो काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए जगह दी है, और किचन का थोड़ा सा काम करने के बाद किचन की जो लंबाई है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम इस लंबाई की बात करेंगे किचन के अंदर, तो देखो वहाँ पे 1 फीट का टाइल्स है, ये 5 फीट हो गया, ये 5 फीट हो गया, ये 5.5 फीट हो गया, मतलब ये आपको ऐसा लगभग 5 फीट नहीं हो गया ना, ये 5 फीट, और ये 5 फीट, ये 10 फीट हो गया,
11.5 फीट लंबा किचन आपको यहाँ पे करीब करीब मिल जाता है, थोड़ा फिर आगे पीछे हो सकता है। और इसी चौड़ाई की बात करेंगे तो ये 5 फीट और ये 5.5 फीट और ये 11.5 फीट, 5.5 बाय 11.5 का किचन, बहुत बड़ा किचन है। यहाँ पे आप आपका रेफ्रिजरेटर रख सकते हो, टाइल वर्क वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा किया है। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म जो लगाया है वो काफ़ी अच्छा है। आपका सिंक का जो साइज है काफ़ी बड़ा है, ओसी रिस्यूट प्रोजेक्ट है, पानी वगैरह सब कुछ आ चुका है, लोग रहने आए हैं और 24 आवर्स आपको पानी रहेगा, आपको नल के मतलब नल को आपको 24 आवर्स पानी रहेगा, कोई भी पानी का दिक्कत नहीं है, लाइट्स का भी दिक्कत नहीं है, मतलब सभी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक स्विचेस दिया है, यहाँ पे आपका फ्रिज के लिए काफ़ी अच्छा है, ये थोड़ा सा टाइल का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपका एक्वा गार्ड के लिए जगह है और एक्सटेंशन करने के बाद जो पाइप वगैरह है सब यहाँ पे इसके पीछे छुपा के रखा है। और आपको ये कॉर्ड बंद करना रहेगा, ये मेन कनेक्शन तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा वो लगाने वाले मतलब डोर थोड़ा सा ऐसे बंद करके आप ऊपर नीचे का बंद चालू बंद कर सकते हो यहाँ से। और आपका चूल्हे का जगह इस साइड में काफ़ी अच्छा आ जाएगा क्योंकि ये पूरब की दिशा है, आपका जो सनलाइट है मतलब आपको मॉर्निंग का सनलाइट आपके किचन के अंदर इस साइड से आ जाएगा, तो परफेक्ट आपका जो फेसिंग रहेगा किचन का तो वो वास्तु के हिसाब से अच्छा है, पूरब फेसिंग के तरफ आपका ये चूल्हा रहेगा, आपका चूल्हा इस साइड में आएगा, बर्तन धोने की जगह इस साइड में आएगी, सबको सेपरेटली जगह मिल जाती है। यहाँ पे किचन काफ़ी बड़ा हो चुका है, यहाँ पे रहेगा हमारा अटैच बाथरूम और अटैच बाथरूम के अंदर भी आपको स्पेस अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे शावर लगाया है, यहाँ पे आपका बेसिन रहेगा, यहाँ पे आपका नल और यहाँ पे आपका जो टॉयलेट की चीज़ें कमोड वगैरह काफ़ी डिसेंट साइज मिल जाती है इसके अंदर भी। अभी चलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 मास्टर बेडरूम मिल जाते हैं, दोनों भी मास्टर बेडरूम है, दोनों बाथरूम के अंदर आपको अटैच बाथरूम मिलता है। तो ये वाला पहले बेडरूम को समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आपको बालकनी भी दी है, यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छी बालकनी है, इसका विंडो भी काफ़ी अच्छा है, बालकनी भी मतलब ये लगभग 2.25 फीट की बालकनी है, साथ में आपको ग्रिल वगैरह सब कुछ अटैच करके रखा है, मतलब आपको यहाँ पे ये जो चीज़ें काम करके रखी है एक्सटेंशन ग्रिल वगैरह जिनको बालकनी चाहिए बालकनी भी दे रहे हैं, आपको यहाँ पे ग्रिल भी अटैच करके रखी है, मतलब आपका बहुत पैसा यहाँ पे बच चुका है। यहाँ पे जो बॉक्स ग्रिल लगाना रहेगा तो काफ़ी अच्छा खर्चा हो जाता है। तो देखो ये बेडरूम एक्सटेंशन करने के बाद इसको भी काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है और यहाँ पे भी स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा बड़ा बन जाता है। यहाँ पे देखो अगर हम इस चौड़ाई की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो टाइल्स है 2.5 फीट की टाइल्स है, मतलब 5 फीट और ये 5 फीट 10.5 करीब करीब आपको ये इसी चौड़ाई मिल जाती है। और इसी चौड़ाई के मतलब ये भी थोड़ा बहुत आपको 10 और 10.5 लगभग 11 फीट पकड़ के चलिए क्योंकि वहाँ पे 2.5 फीट का है, 11 बाय 10 का ये बेडरूम की साइज हो चुकी है। और यहाँ पे भी मैंने जैसे बोला आपको अटैच बाथरूम रहेगा, तो ये रहेगा आपका अटैच बाथरूम, इसके अंदर भी आपको एक कमोड दिया है, यहाँ पे पाइपलाइन है इसके पीछे और इसका टाइल कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे गीजर के लिए जगह दी है, यहाँ पर शावर रहेगा, यहाँ पे नल कनेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा डिसेंट जगह मिल जाती है, यहाँ पे बेसिन भी दिया है इसके अंदर भी, सभी चीज़ें सभी इसके अंदर, शावर वगैरह सब कुछ है, 3 टॉयलेट बाथरूम है, डोर अच्छा है। आ जाइए आगे, हमने हॉल को समझ लिया, किचन को समझ लिया, कॉमन बेडरूम तो उसको भी अटैच बाथरूम बना दिया है, हमारी एंट्री को समझ लिया, ये एंट्री हमारी नॉर्थ डायरेक्शन की है, हॉल भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये वाला बड़ा बेडरूम है, इसे हम प्रॉपर मास्टर बेडरूम कह सकते हैं, वो भी मास्टर बेडरूम ही है, मतलब उसमें कन्वर्ट किया है हम लोगों ने, मतलब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टॉयलेट बना दिया है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो बेडरूम के अंदर जो जगह मिलती है वो कितनी मिल जाती है। यहाँ पे देखो ये 2.5 फीट के टाइल्स है तो मैं काउंट करके बता देता हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा 1.5 फीट के करीब करीब है, ये 5 फीट, ये 10 फीट और वहाँ पे 1 फीट 11 फीट और यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब ये 12.5 फीट लंबा हो चुका है और ऐसा 9 फीट है, 9 बाय 12.5 फीट, साथ में अटैच बालकनी मतलब यहाँ पे ग्रिल जो है वो लगाई है और ग्रिल की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे आप प्लाई वगैरह डाल के आपका यूज़ है जो बालकनी के अंदर होना चाहिए था वो आप कर सकते हो इजीली यहाँ पे। और ये जो बालकनी अटैच है अपने हॉल को और बेडरूम को, तो यहाँ से वहाँ आप जा सकते हो, नीचे थोड़ा सा प्लाई वगैरह डालना पड़ेगा और यहाँ से हवा काफ़ी अच्छी फ्लो हो जाती है।
बेडरूम के अंदर भी डिसेंट एरिया मिल जाता है आपका वार्डरोब और बेड रखने के बाद। आपके बेडरूम के अंदर आप इजीली मूवमेंट कर सकते हो, इधर उधर जा सकते हो। यहाँ पे भी अटैच आपको मिलेगा एक बाथरूम और डिसेंट साइज का डक्ट एरिया मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा भी सामान रखा है तो दिखा नहीं सकते, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक्चुअल में आओगे ना तो वो आप देख लीजिए अपने आंखों से, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आपको सभी फिटिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको गीज़र, शावर, बेसिन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये प्रॉपर्टी को आपको अगर विजिट करना रहेगा तो यहाँ पे नंबर जो दिया है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा ऑफिस 11-15 में है। आप ऑफिस का एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और यहाँ पे आपको लिंक भी करता होगा। कॉल कीजिए, ऑफिस के अंदर आ जाइए। जो भी निगोशिएशन करना है आप फ़ोन करके या विजिट करके डायरेक्ट आ सकते हो, डायरेक्ट ओनर को भी मिल सकते हो। चलिए दोस्तों, मेरा नाम अनिल है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।